वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आज हम लोग आए हैं कला महाशिल्प विद्यालय पटना। सामने में जो देख पा रहे हैं ये कला शिल्प महाविद्यालय हुआ, जो कि ये तारामंडल के सामने में है। बहुत अद्भुत तरह के आपको कलाएँ देखने को मिलेगा। अभी हम लोग पटना आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज के अंदर में हैं, ये अर्जुन भैया, और अभी देखेंगे। अर्जुन भैया ये 13 से 17 के बैच के स्टूडेंट रह चुके हैं ये आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज के, और अर्जुन भैया के साथ अभी हम लोग आए हुए हैं घूमने के लिए। स्टैंड हुआ, इस पर रख के पेंटिंग करते हैं सर। अभी हम लोग सेकेंड फ्लोर पे चल रहे हैं और देखेंगे यहाँ पे कैसी क्लास चलता है और क्लास में स्टूडेंट सब है कि नहीं है, अभी क्लास कर रहे हैं कि नहीं। अभी पोटैचिंग यहाँ पे किया जाता है। ये देखिए पेंटिंग बनाया हुआ है, ये आर्टवर्क हुआ पेंसिल और पेन का, देख पा रहे हैं आप ये पेंसिल और पेन से बनाया गया है, पेंसिल से बनाया हुआ स्केच बारीकी तरीके से बनाया गया है। सबका अपना अपना अलग वर्क है, देख पा रहे हैं। देर कृष्ण जी का चक्र और ऊपर से नीचे का व्यू। इस रूम में फंक्शन होता है, तलाव का कमी है। ये हुआ प्रिंट मेकिंग, जिसे कार्ड और ये छपता है। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो आप करवा सकते हैं। कितना इसमें आती है, कौन कौन अप्लाइड आर्ट, स्कल्पचर, मूर्ति कला, प्रिंट मेकिंग, छापा कला और पेंटिंग जी? ये कौन सा हुआ? ये प्रिंट मेकिंग है, ये जो है ना अपोजिट है, ठीक है। अपोजिट इस पर हमको अपोजिट करना पड़ता है, जो भी लिखा हुआ जैसे डू लिखा हुआ तो अपोजिट लिखा हुआ है जी, आई कैन डू इट, अपोजिट लिखा हुआ। और इसको हम प्रिंट मेकिंग करेंगे, इसको कलर लगा के इसके बाद पेपर ऊपर डाल के और एक वो सीधा आ जाएगा जी। देख लीजिए यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं, जो सब अपोजिट किया गया है, अपोजिट करने के बाद जो है ना उसको प्रिंट करने के बाद ये सही तरीके से सही तरीके से उभार आ जाती है उस पर। ये कार्डबोर्ड का बनाया हुआ है। यहाँ पे जो भी चीज़ है, कोई हाजिल चीज़ नहीं, यहाँ पे सब अपना कला में महत्वपूर्ण ये मूर्ति कला हुआ, इसमें मूर्ति कला ही क्लास होती है।
डॉक्टर विनोद कुमार प्रोफेसर हैं जो कि हमारे गांव से बिलोंग करते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज का जो स्थापना किए थे ये बुद्ध जी का स्टैचू बनाया हुआ है, देख पा रहे हैं कितने बारीकी से बनाया गया है इसको, अद्भुत कला। ऐसे ऐसे बहुत सी चीज़ें यहाँ पे बनाया गया है। ये कॉलेज का फील्ड हुआ एकदम हरा भरा। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फेयरवेल पार्टी मनाया गया था स्टूडेंटों के द्वारा, जो 17-21 बैच के स्टूडेंट के लिए है। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा लगता है घूमने में यहाँ पे। यहाँ पे स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया ये बहुत अच्छा फ्रेम है, बहुत शुक्र बार है। यहाँ के बहुत सारी विशेषताएं हैं और यहाँ पे जितने भी मूर्तियाँ देख रहे हैं ये सब स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे पेड़ भी लगाया जाता है यहाँ से।